हेलो दोस्तों, तो देखिए आज मैं आपको गुलर के सब्जी बना के बताऊंगी कि कैसे हम इसे बनाएंगे। तो देखिए ये है गुलर, इसको डूमर भी कहते हैं। तो चलिए पहले हम सबसे पहले इसको हम काटेंगे। ये जितना है इसको डंठल से हम अलग कर देंगे इस तरीके से और इसे काटेंगे। तो देखिए सारे गुलर को हम डंठल से अलग कर दिए हैं, अब इसे हम काटेंगे। तो देखिए हम गुलर को इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, पानी से इसको हम साफ कर लेंगे और इसे हम उबालेंगे। तो देखिए ये कटे हुए गुलर को हम इसमें हल्दी पाउडर डाले हैं और आधा चम्मच नमक डाल के इसको हम उबाल कर लेंगे। तो देखिए मेरा गुलर है जो इस तरीके से बॉयल हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक पानी से और धो लेंगे। तो देखिए उबले हुए गुलर को हम इस तरीके से एक प्लेट में रख लिए हैं। अब यहाँ हम एक छोटा प्याज काटे हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करेंगे, उसमें तेल डालेंगे और इसके लिए फोरन डालेंगे। देखिए हम कढ़ाई में तेल डाले हैं और इसमें फोरन जीरा डाले हैं। अब इसमें तेजपत्ता भी डालेंगे, मेरे पास अभी नहीं है इसलिए हम नहीं डाले इसमें। अब इसमें क्या करेंगे, जो कटा हुआ प्याज है उसको डालकर उसके फ्राई करेंगे। प्याज है जो फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम मसाला डालेंगे। तो देखिए इसके लिए हम लिए हैं धनिया पाउडर, लहसुन है, मिर्चा है और ये हल्दी है। अब इसे डालकर हम इसका ग्रेवी बनाएंगे। तो देखिए मेरा मसाला है जो फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम इस सब्जी को डाल देंगे, थोड़ी देर तक इसे भी फ्राई करेंगे। इसमें नमक नहीं डाले हैं तो अब इस स्टेज पे हम इसमें नमक डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। इसे मिक्स करके इसे भी थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। तो देखिए मेरा सब्जी है फ्राई हो चुका है, अब इसमें हम पानी डालेंगे और थोड़ी देर तक इसे सिझने देंगे ताकि सब्जी मेरा बढ़िया तरीके से। अब देख लेते हैं सब्जी को। तो देखिए सब्जी इस तरीके से हो गया है, अब इसे हम हल्का मिक्स कर देंगे। इसको बंद कर देंगे। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे आधा चम्मच और इसे मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से मेरा सब्जी बनके तैयार हो गया है। तो देखिए मेरा गुलर का सब्जी बनके तैयार हो गया है, देखिए इस तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगा। थैंक यू।